नमस्ते स्टूडेंट्स, आई एम जेवीएन भावना वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ज्योति विद्यापीठ मॉडल यूनिवर्सिटी फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड द फैकल्टी ऑफ एफईएम। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द टॉपिक दैट इज इम्पॉर्टेंट, द इम्पैक्ट ऑफ मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। सो ये हम लोगों का टॉपिक है जो हम लोग MIS के अंदर पढ़ते हैं। तो जैसा कि इस आपके सेशन के नेम में आ रहा है कि हम क्या पढ़ेंगे, MIS के ऊपर क्या, किस चीज का क्या है, कैसे इम्पैक्ट है, ठीक है। MIS जब आप यूज करते हैं तो किन चीजों पे क्या कैसे इम्पैक्ट पड़ता है, उस चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो देखो, पहले इससे मतलब आप क्या समझते हैं, MIS क्या है, हमने पहले भी डिस्कस कर लिया। सो द इम्पैक्ट ऑफ द MIS ऑन द फंक्शन एंड इट्स मैनेजमेंट। तो जब भी आप MIS यूज करते हो, MIS के फंक्शन का यूज करते हो, तो उसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ता है, उसके मैनेजमेंट में पड़ता है, ठीक है। ये मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हो सकती है, किसी भी बिजनेस लेवल पे एग्जीक्यूट की जा सकती है, ठीक है। बेसिकली बिजनेसेस और ऑर्गेनाइजेशंस ही होती है जो हम लोग जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को MIS को यूज करते हैं। सो विद द गुड सपोर्ट ऑफ MIS द मैनेजमेंट मार्केटिंग फाइनेंस प्रोडक्शन एंड पर्सनल बिकम्स मोर एफिशिएंट। सो MIS की यूज करने के साथ में क्या होता है कि आप जो मैनेजमेंट करते हो, स्पेशली किसमें, मार्केटिंग में, चाहे फाइनेंस हो, चाहे प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, चाहे पर्सनल से रिलेटेड, पर्सनल काम से रिलेटेड हो, वो सारी की सारी चीजें MIS के सपोर्ट से बहुत ज्यादा आसान हो जाती है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो जाती है। एफिशिएंसी के साथ में उनकी ट्रैकिंग करना, उनकी मॉनिटरिंग करना, ताकि वो जब भी आपके ऑर्गेनाइजेशन है वो सारे फंक्शनल टारगेट्स को मीट कर रही है नहीं कर रही, वो सारी प्रोसेसिंग भी इजी हो जाती है। तो फंक्शनल मैनेजर्स आर इन्फॉर्म अबाउट द प्रोग्रेस, अचीवमेंट्स एंड शॉर्टफॉल्स इन द एक्टिविटी ऑफ टारगेट। तो यहाँ पे क्या होता है, जो फंक्शनल मैनेजर्स है, जो आप इसका MIS का यूज ले रहे हैं, उनकी इसकी मदद से क्या होता है, सारा का सारा आप क्या एक्टिविटी कर रहे हो, ठीक है, आपका क्या टारगेट है, या उस टारगेट को अचीव करने में आपको कितनी प्रोग्रेस कर ली है, कितने दिक्कतें आपको आई है, क्या अचीवमेंट मिली है, क्या शॉर्टफॉल्स है, ठीक है ना, और जो एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे हो उसमें आपको क्या दिक्कत आ रही है, तो ये सारी की सारी चीजें मैनेज करना बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। तो मैनेजर इज केप अलर्ट बाय प्रोवाइडिंग सर्टेन इंफॉर्मेशन इंडिकेटिंग द प्रोबेबल ट्रेंड्स इन द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। और MIS की यूज की मदद से आप क्या करते हो कि जो आपको मैनेजर होता है, जो सेंट्रली इन चीजों को देख रहा है, मैनेज कर रहा है, तो वो जब इस चीज का यूज लेता है, तो जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली होती है, कुछ भी ऐसा होता है, तो आपके मैनेजर को क्या है, वो सिस्टम अलर्ट कर देता है, ठीक है, और उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ताकि बिजनेस के वेरियस एक्सपर्ट जो आता है आपको आपको पता चल सके। तो दिस हेल्प्स इन द फोरकास्टिंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग। तो इसकी मदद से हम कह सकते हैं कि हम फोरकास्टिंग करने किसी चीज की या कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं, तो उस चीज में भी हम लोगों को बहुत हेल्प करता है, ठीक है। तो ये था हम लोगों का भाई MIS का इम्पैक्ट क्या होता है, कि बिजनेस लेवल पे बहुत ज्यादा उसका इम्पैक्ट होता है। हम लोग किसी भी चीज को क्या है, मैनेज कर सकते हैं, उसकी प्रोग्रेसिंग देख सकते हैं, हम अपने सिस्टम को अलर्ट कर सकते हैं, जो रिक्वायरमेंट है जो टुडेज टाइम के अकॉर्डिंग, वो सारे मीट हो रही है नहीं हो रही है, हम ये भी देख सकते हैं, या क्या नीड है उस चीज का, किस चीज की क्या नीड है, अपने सिस्टम को, अपने मैनेजर को भी उस चीज के बारे में बता सकते हैं। सो MIS क्रिएट्स अनदर इम्पैक्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन विच रिलेट्स टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस इटसेल्फ। और इसका क्या इम्पैक्ट होता है, हम ऑर्गेनाइजेशन को कुछ इस तरह रिलेट कर सकते हैं ताकि हम अपने जो बिजनेस को खुद ही जो है समझ सके। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, MIS हम लोग बिगिन करते हैं कहाँ से, कि आपका डाटा एंटिटी क्या है, उसके एट्रीब्यूट्स क्या है, फिर आप कौन से, किस तरह के डाटा डिक्शनरीज वगैरह यूज ले रहे हो, एंड किस तरह के एंटिटीज एंड एट्रीब्यूट्स वगैरह है जो आप काम में ले रहे हो, ठीक है, किस तरह से उसको डिजाइन कर रहे हो, ताकि किस तरह उसको डिजाइन कर रहे हो। सो इट यूजेस डिक्शनरी ऑफ डाटा एंटिटी एट्रीब्यूट्स रिस्पेक्टिव डिजाइन फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो आप किस तरह डाटा डिजाइन हो रहा है, क्या काम हो रहा है, वो सारा का सारा काम उस इंफॉर्मेशन जनरेशन के अंदर उस ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह हेल्प कर रहा है, ये सारी चीजें हम लोग देख के सकते हैं। नेक्स्ट है आपका MIS कॉल्स फॉर द सिस्टमाइजेशन ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन फॉर एन इफेक्टिव सिस्टम डिजाइन। और MIS आपको अलाउ करता है ताकि आप एक अच्छे सिस्टम डिजाइन कर सको, ताकि आप अपने बिजनेस को क्या है बहुत अच्छे से मैनेज कर सको। इसके लिए क्या है, जो हम ये देखते हैं कि सारा का सारा जो देखो, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द बिजनेस बाय ब्रिंगिंग अ डिसिप्लिन इन इट्स ऑपरेशन, एवरीबॉडी इज रिक्वायर्ड टू फॉलो एंड यूज द सिस्टम एंड प्रोसीजर्स। तो यहाँ पे ये क्या करता है, आपके बिजनेस के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से फॉलो हो रहा है, लेकिन उसके अंदर क्या सारा का सारा जो भी डिसिप्लिन रूल्स एंड रेगुलेशन आपने बना रखी है, तो आप अलाउ करते हो, आप फोर्स करते हो
कि सारे के सारे वो लोग हैं जो जो लोग भी हैं उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, उन प्रिंसिपल्स को और उन सारे के सारे डिसिप्लिन्स को क्या है फॉलो करें, ताकि आपका सिस्टम जो है और उस सिस्टम को और उस प्रोसीजर्स को फॉलो करें, ताकि आपका सिस्टम के अंदर एक डिसिप्लिन डिसिप्लिन जो है वो मेंटेन रहे। तो सिंस द गोल्स एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एमआईएस आर प्रोडक्ट्स ऑफ बिजनेस गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। अब एमआईएस के क्या गोल्स और ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो वही होते हैं जो बिजनेस गोल्स और ऑब्जेक्टिव के प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है ना। मतलब दीज एमआईएस के खुद के क्या गोल्स और ऑब्जेक्टिव होते हैं, दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ बिजनेस गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है। मतलब बिजनेस गोल्स और क्या बिजनेस गोल्स है, क्या बिजनेस ऑब्जेक्टिव है आपका, उसके सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स आपके पास है वही आपके क्या है एमआईएस के आपके ऑब्जेक्टिव है। तो वो इनडायरेक्टली आपको हेल्प करते हैं, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करते हैं कि सारे के सारे जो आपका कॉर्पोरेट गोल्स है, कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव है, वो सारे के सारे जो वो ऑब्जेक्टिव और वो गोल जो उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, वो सारे के सारे आपको मीट होता है, ठीक है ना। सो ए वेल डिजाइन सिस्टम विद अ फोकस ऑफ द मैनेजर मेक्स एन इम्पैक्ट ऑफ द मैनेजरियल एफिशिएंसी, ठीक है। तो आप एक बहुत अच्छा वेल डिजाइन अपने सिस्टम बनाया है, तो वो किस पर फोकस करेगा कि आपका सारा काम किस तरह चल रहा है, ठीक है। उसके वो मैनेजर पे भी फोकस करता है, फोकस ऑन द मैनेजर, ताकि आप उस मैनेजर की मैनेजरियल एफिशिएंसी का भी इम्पैक्ट आप पता कर सको, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि कैटेगरीज ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये जो मैनेजमेंट एमआईएस आप लोगों ने देखा है, उसके भी क्या कैटेगरीज हो सकती है, कि वो किन किन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड हो सकता है, किन किन जैसे उसको काम में लिया जा सकता है। तो उसका मेजर टाइप्स ऑफ सिस्टम इंक्लूडिंग द फॉलोइंग, तो उसका जो मेजर टाइप्स होते हैं वो उसके अंदर ये चीज आती है जो हम लोगों ने जिसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जस्ट लाइक फर्स्ट है आपका एग्जीक्यूटिव इन्फॉर्मेशन सिस्टम। ये क्या होता है, देखो सीनियर मैनेज जो आपका सीनियर मैनेजमेंट होता है ना, वो ईआईएस को यूज करता है ताकि इफेक्टिव डिसीजन दे सको आप, ताकि वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको फॉलो किया जा सके, ठीक है ना। तो एग्जीक्यूटिव इन्फॉर्मेशन सिस्टम ये सीनियर मैनेजमेंट इसको यूज करता है ताकि इफेक्टिव डिसीजन आपके दे सके, ठीक है ना। अब एक होता है मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम। ये क्या, जो आपकी मार्केटिंग टीम होती है ना, वो उसको यूज करती है। मतलब जो आपने इन्फॉर्मेशन सिस्टम है आपका मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, उसको भी आपने अलग अलग कैटेगराइज कर दिया, ठीक है, कि आपको कोई एग्जीक्यूटिव लेवल पे, मार्केटिंग लेवल पे, बिजनेस लेवल पे या सीआरएम लेवल पे, ठीक है। तो उसको हम देख रहे हैं, तो इन्फॉर्मेशन तो वही है लेकिन उसकी कैटेगरीज अलग अलग हो गई कि वो कहाँ कहाँ यूज हो रही है। तो जैसे आपका ये जैसे इसमें आगे मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम, ये क्या है, आपका जो मार्केटिंग टीम होती है वो इस इन्फॉर्मेशन को यूज करती है ताकि आप पता कर सके कि पहले क्या हुआ था, अब क्या हुआ, क्या स्ट्रेटेजीज बनानी चाहिए, एक्सेट्रा। एक है बिजनेस इंटेलिजेंस सिस्टम। तो ऑपरेशन यूजिंग अ बिजनेस इंटेलिजेंस सिस्टम टू मेक द डिसीजन बेस्ड ऑन द कलेक्शन इंटीग्रेशन एंड एनालिसिस ऑफ द कलेक्टेड डाटा। तो ये क्या करती है, जो पुराना जो भी आपके पास डाटा कलेक्टेड है ना, उसको इंटीग्रेट करती है, उसको एनालिसिस करती है, ताकि फ्यूचर में उस चीज से रिलेटेड आप एनालिसिस करके आपके गोल्स और टारगेट सेट किए जाए। नेक्स्ट आपका कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम। अब देखो, जब आपको लगता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जब भी सक्सेसफुल है, जब आप कस्टमर के रिस्पेक्ट में आप बात कर रहे हो, ठीक है, तो वो सारा का सारे जो कस्टमर्स है उनके लिए आपके ऑर्गेनाइजेशन को सूदिंग बनाना, अगर वो कोई चाहते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन से मिल पाए या अपनी क्वेरीज डिस्कस कर पाए, तो कस्टमर्स को मैनेज करने के लिए, उनको एक एडवांटेज प्रोवाइड करने के लिए, उनसे ढंग से कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने के लिए हम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम यूज करते हैं, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या है अलग अलग सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं, ताकि अलग अलग सॉफ्टवेयर बना सकते हैं ताकि सीआरएम को मैनेज कर पाए। नेक्स्ट हम लोगों का सेल्स फोर्स ऑटोमेशन सिस्टम। तो इट इज अ स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट ऑफ सीआरएम दैट ऑटोमेट्स मेनी टास्क दैट सेल्स टीम परफॉर्म, ठीक है ना। तो ये भी क्या सीआरएम का ही पार्ट है, लेकिन ये क्या है, जो एक सेल्स टीम जो आपका पर्टिकुलर काम करती है उस चीज को ये ऑटोमेटिकली बना देती है, ऑटोमेटिकली काम करने के लिए फोर्स करती थी, ठीक है ना। तो इट ऑटोमेट्स मेनी टास्क दैट अ सेल्स टीम परफॉर्म, जो सेल्स टीम आपको डिफरेंट टास्क परफॉर्म करती है उसको ऑटोमेट कर देती है, ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर देती है। नेक्स्ट है आपका ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, ठीक है ना। एन एमआईएस दैट कंप्लीट्स अ सेल्स एंड मैनेजमेंट रिलेटेड डिटेल्स, ठीक है ना। एमआईएस क्या है, वो एमआईएस जो क्या कंप्लीट करती है सेल्स रिलेटेड या मैनेज या फिर मैनेजमेंट रिलेटेड डिटेल्स को कंप्लीट करती है, वो ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम में आती है, ठीक है। अब इसके बेसिक लेवल पे हम क्या है पॉइंट ऑफ स्केल सिस्टम यूज करते हैं, ठीक है। वहां पे क्या होता है, ये अलाउ करता है ट्रेवलर को टू सर्च
फॉर अ होटल इंक्लूडिंग रूम्स ऑप्शन सचिंग प्राइस। तो अब हम एग्जांपल ले लिया कि हम लोगों ने जैसे टीपीएस के ट्रेवल ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम में है, तो यहाँ पे हम लोगों ने पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम का हमने यूज किया, जिसके अंदर क्या है वो पर्टिकुलर आपका अगर कोई ट्रेवलर आपके पास आता है तो वो सारा का सारा होटल रूम और इन चीज से रिलेटेड कितना बेड है, कितने स्विमिंग पूल्स है, हम कैसे बुक कर सकते हैं, तो ये सारी की सारी चीजें मैनेज करे वो सारे ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम में आ जाएगी। नेक्स्ट हम लोगों के पास नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, सो कस्टमर सर्विस दैट कैन यूज अ नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम टू आंसर द क्वेश्चन एंड ट्रबल शूट प्रॉब्लम। वो कस्टमर अगर आपके कुछ क्वेरीज आंसर करता है, क्वेरीज पूछता है, तो उस चीज को यूज करने के लिए हमने कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम यूज किया उस चीज के आंसर देने के लिए। नेक्स्ट हम लोगों के पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम, इसके अंदर MIS इज अ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट डीलिंग विद द फाइनेंसेस एंड अकाउंटिंग। जो भी आपको कस्टमर को किसी भी चीज को प्रॉब्लम हो, किससे, कोई फाइनेंस से रिलेटेड, कोई अकाउंटिंग से रिलेटेड, कोई कस्टमर कि हम लोगों का अकाउंट कैसे मैनेज करना है, कैसे पेमेंट करना है, तो वो सारे की सारी सिस्टम किसमें आ जाएगी, वो इन्फॉर्मेशन जो गैदर करे वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम में आ जाएगी। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, दिस सिस्टम ट्रैक्स एम्प्लॉयर परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स एंड पेरोल डाटा। तो जैसे हम लोगों का एचआर का जो जॉब होता है ना, तो यहाँ पे क्या है जो लोग जो एम्प्लॉयज आपके यहाँ काम कर रहे हैं या फिर ह्यूमन रिसोर्स जो आपके यहाँ काम कर रहे हैं उनको कैसे मैनेज करना है, उनकी उनका पेरोल सिस्टम, उनका सैलरीज वगैरह किस तरह से मैनेज करें, वो ये सिस्टम ट्रैक करता है। नेक्स्ट है सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम, द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूजेस सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम टू ट्रैक द फ्लो ऑफ द रिसोर्सेज मटेरियल सर्विसेज फ्रॉम परचेज अंटिल द फाइनल प्रोडक्ट आर शिप्ड। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है, जहाँ से आप बिगनिंग लेवल से कि आप कोई चीज बनाना चाह रहे हो, बिगनिंग लेवल से कस्टमर को बेचने तक का जो पूरा पूरा प्रोसेस होता है वो किस तरह फ्लो हो रहा है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग से लेके कस्टमर को बेचने तक का, जिस तरह आप शिप बेचने तक का या फिर उस चीज प्रोडक्ट को शिफ्ट करने तक आप शिपिंग करते हो ना एक जगह से दूसरी जगह, वो सारे के सारे उसके अंदर किस तरह ट्रैक कर रहे हो आप, उसके अंदर रिसोर्सेज कैसे यूज हो रहे हैं, किस तरह मटेरियल फ्लो कर रहा है, उस चीज को यूज मैनेज करने के लिए हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका एक नेक्स्ट आपका टाइप्स ऑफ MIS रिपोर्ट, ये एक एक्स्ट्रा में आपका एक टॉपिक है ना, तो आप इसको आराम से खुद से पढ़ सकते हैं। तो ये था हम लोगों का आज का टॉपिक मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। आई होप यू लाइक माय सेशन, इफ यू हैव एनी क्वेरी मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, एंड दिस सेशन इज पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी।